Everybody, Varun here from Language Academy, guys. Very excited to be back. This video, we are going to look at task one of your writing module if you are taking IELTS journal. बहुत सारी videos upload की हैं, बहुत सारे comments आए हैं कि yes, journal task one में problem है, and this video is going to be about that particular module. This video is going to be in Hindi. If you don't understand or speak Hindi, I'm going to post an English version of this video. It will be out soon, so consider subscribing so that whenever I upload, you are the first person to know about it. इस वीडियो में मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा जो आपको करनी है अपने 7+ बैंड स्कोर लेने के लिए. जर्नल टास्क वन राइटिंग जो आपका लेटर होता है, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल, इनफॉर्मल, इन तीनों चीजों में कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, कौन कौन से सेंटेंस, कौन कौन से फ्रेज, कौन कौन से वर्ड्स और क्या फॉर्मेट यूज करना है, हर एक चीज बताऊंगा. तो आप मेक श्योर करें अपनी नोटपैड, नोटबुक और पेन अपने साथ रखें. कोई भी चीज बता रहा हूँ, कोई भी टिप बता रहा हूँ, उसको आप नोट डाउन कर लें ताकि बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना हो. वीडियो एंड तक देखें तभी आपको पूरा आउटपुट मिलेगा. सबसे पहले आपको मैं मार्किंग क्राइटेरिया बताऊंगा, टास्क डिस्क्रिप्शन बताऊंगा कि इसमें करना क्या होता है, एग्जामिनर क्या देखता है, स्कोरिंग कैसे देता है आपको. उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, फिर एक फॉर्मेट दूंगा, फिर एक सैंपल आंसर भी करके दिखाऊंगा कि मैं अपने आंसर कैसे लिखता हूँ. सो विदाउट एनी फर्दर डिलेस, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा और आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप सब नोट्स लें. ठीक है, लेट्स गेट इनटू द वीडियो, लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट वी हैव गॉट फॉर यू टुडे. ऑलराइट, आईएलटीएस राइटिंग जर्नल टास्क वन. होता क्या है इस टास्क में, आपको एक लेटर लिखना होता है. लेटर तीन तरह का हो सकता है, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल और इनफॉर्मल. फॉर्मल का क्या मतलब है, जो आप अथॉरिटीज को लिखते हो, लेट्स से कि आप फॉर एग्जांपल काउंसिल को लिख रहे हो, जहां पे आपको पता नहीं कि कौन बंदा उसको पढ़ेगा. जैसे आप लिख रहे हो एक यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लेनी है, आपको नहीं पता कि वो यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कौन है, या फिर आप डीन को लिख रहे हो. सेमी फॉर्मल क्या, यहाँ पे आप बंदे का नाम पता है, आप उसको जानते हो, बट आपके फॉर्मल रिलेशन, आप उसको पर्सनल लेवल पे नहीं जानते. लेट्स से आपका यूनिवर्सिटी का लेक्चरर है, आप उसको जानते हो कि इसका नाम क्या है, बट आपका पर्सनल रिलेशन नहीं है. और इनफॉर्मल क्या है, आप अपने किसी करीबी को लिख रहे हो, वो आपको जानता है, पर्सनल चीजें भी आप उसके साथ शेयर करते हो, वो होते हैं आपके इनफॉर्मल लेटर. जैसे आप अपने दोस्त को, अपने भाई को, अपने पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव्स को लेटर लिखते हो. आपको 20 मिनट दिए जाएंगे और एटलीस्ट 150 वर्ड्स का आपने ये लेटर लिखना है. ये 33% ऑफ योर राइटिंग बैंड स्कोर होता है. अगर 9 बैंड होते हैं टोटल, तो अराउंड 3 इसमें से जाते हैं और 6 जाते हैं आपके टास्क 2 से. तो ये था अपना टास्क डिस्क्रिप्शन, कुछ इस तरह से लगेगी आपकी. अगर आप पेपर बेस्ड टेस्ट ले रहे हैं, इस तरह से आपका आंसर शीट होगी. आप जब प्रैक्टिस भी करें, प्लीज इसी चीज पे, इस पे ही, इसी सेम फॉर्मेट और सेम शीट पे प्रैक्टिस करें ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी कंफ्यूजन ना हो और वहां पे कुछ भी अनसर्टन ना हो. बच्चे क्या करते हैं, कभी किसी नोटबुक पे प्रैक्टिस, कभी किसी नोटबुक पे, और वहां पे जाके थोड़े अनकंफर्टेबल होते हैं. इस पे प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता होगा कि एक लाइन में आप कितने वर्ड्स लिखते हो, वर्ड कैलकुलेट कैसे करने, कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना, और हैंड राइटिंग भी सही रहेगी आपकी. ठीक है, इन चीजों का ध्यान रख के हम चलते हैं अगली स्लाइड पे. अब तीन तरह के जो हमारे लेटर होते हैं उनमें फर्क क्या है. तीन तरह के लेटर, एक फॉर्मल है, एक सेमी फॉर्मल है, एक इनफॉर्मल है. अब इन पैरामीटर्स पे मैंने डिफरेंस किया हुआ है. सबसे पहले इनका पर्पस क्या होता है. फॉर्मल का पर्पस होता है कोई औपचारिक चीज करना. जैसे आप कोई इन्फॉर्मेशन, आप गवर्नमेंट को लिख रहे हो, कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट करते हो, या फिर आप जॉब को अप्लाई कर रहे हो, या फिर आप काउंसिल में कोई या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आप कोई कंप्लेंट लॉन्च कर रहे हो. ठीक है, कोई फॉर्मल, कोई ऐसी चीज जो आपके पर्सनल लेवल पे डील नहीं हो सकती. सेमी फॉर्मल क्या होता है कि आप किसी नोन बंदे को, आपको उसका नाम पता है, लेकिन फॉर्मल चीज के बारे में रिक्वेस्ट कर रहे हो जो आप पर्सनल लेवल पे सॉल्व नहीं कर सकते हो. लेट्स से आपकी नेबर के साथ प्रॉब्लम है, कि फेंस की प्रॉब्लम है, या आपको प्रॉब्लम है कि आपको पता है आपका नेबर कौन है बट आपके पर्सनल रिलेशन नहीं है, आपने उसको रिक्वेस्ट करनी है कि आपका जो डॉग है वो हमें, वो बहुत बार्क करता है या वो बहुत परेशान करता है, सो टेक सम एक्शंस, राइट. जिस बंदे का आपको नाम पता है लेकिन मैटर है, जो मसला है, वो फॉर्मल है. इनफॉर्मल क्या है, आप किसी अपने फ्रेंड को, अपने रिलेटिव को, अपने क्लोज वन को किसी भी मुद्दे पे लेटर लिख रहे हो, आप उनको इनवाइट कर रहे हो, उसको थैंक यू कर रहे हो, उनका हालचाल पूछ रहे हो, कोई चीज के बारे में अपोलोजाइज कर रहे हो.
इसमें आइडेंटिटी अननोन होती है, हमें नहीं पता सामने पढ़ने वाला बंदा कौन है। इसमें आइडेंटिटी सिर्फ बंदे का नाम पता होता है, और इनफॉर्मल में गुड रिलेशन होता है, हमें पता होता है कि वो कौन है, कैसे है, पर्सनल लेवल पे हम उसको जानते हैं। ओपनिंग सैल्यूटेशंस या फिर ग्रीटिंग्स बोलूंगा कि आपने अपना आंसर या अपना लेटर शुरू कैसे करना है। हमें नाम नहीं पता होता तो हम डियर सर और मैम से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे स्लैश मत डालना, डियर सर और मैम डालना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डियर मिस्टर लास्ट नेम, जैसे कि यहाँ पे उसने बोला डियर मिस्टर, बंदे का नाम है जॉन स्मिथ, सो डियर मिस्टर स्मिथ, राइट। और यहाँ पे जब आपको कोई बंदा जानता है, लेट्स से जॉन स्मिथ आपका फ्रेंड है, तो डियर जॉन आ जाएगा यहाँ पे। क्लोज कैसे करना, जो एंड में ग्रीटिंग होती है, योर्स फेथफुली, इसमें योर्स सिंसियरली, सेमी फॉर्मल में वार्म विशेज, वार्म रिगार्ड्स, बेस्ट रिगार्ड्स, आप इनफॉर्मल में कोई भी यूज कर सकते हो। आपकी टोन क्या होनी चाहिए, टोन मतलब कि आप फ्रेंडली मैनर में बात कर रहे हो, अपने जो जिस तरीके से आप अपने दोस्त से बात करोगे उस तरीके से आप अपने ट्यूटर या अपने प्रोफेसर या किसी प्रेसिडेंट या डीन से बात नहीं करोगे। फॉर्मल टोन में बात करना है आपने, मतलब कि प्रोफेशनली, प्रोफेशनल वे में बात करना है, ऐसे नहीं हालचाल नहीं पूछ रहे हम उसका, ठीक है। फॉर्मल में फॉर्मल टोन होगी, और हम उससे एग्जैक्ट रिस्पॉन्स नहीं पूछ सकते डायरेक्टली, ये नहीं कह सकते कि मुझे 4 दिन बाद आंसर चाहिए या मुझे 5 दिन के अंदर अंदर बताओ, ठीक है। सेमी फॉर्मल में अगेन सेमी फॉर्मल टोन होगी, यस आप थोड़ा सा हल्का सा इनफॉर्मल हो सकते हो, बट सीधा डायरेक्ट चीजें नहीं पूछ सकते हो। यहाँ पे आप रिस्पॉन्स की रिक्वेस्ट कर सकते हो, बट ये नहीं बोल सकते कि भाई मुझे 1 दिन के अंदर अंदर जवाब दो। यस यू कैन सर्टनली रिक्वेस्ट इट, बट यू कांट साउंड रूड, राइट। इनफॉर्मल में यस यू कैन टॉक योर नॉर्मल कन्वर्सेशन, यू कैन आस्क हाउ आर यू, हाउ इज योर फैमिली, जो कि आप फॉर्मल और सेमी फॉर्मल में नहीं पूछ सकते हो। और यहाँ पे फॉर अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्स यू कैन रिक्वेस्ट एंड यू कैन आस्क एज वेल। आस्क और रिक्वेस्ट में क्या है कि आस्क में कहते हैं कि भाई मुझे बता दियो, रिक्वेस्ट में क्या कि क्या कृपया करके मुझे बता देंगे, राइट। सो रिक्वेस्ट और आस्क, आस्क कब करते हो जब आप थोड़ी अथॉरिटी होती है आपके पास, ठीक है। स्टार्टिंग सेंटेंस का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और भी चीजें बताऊंगा बट एक हल्का सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। स्टार्टिंग सेंटेंस आप अपने फॉर्मल टोन का एग्जाम्पल क्या, आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट, आई एम राइटिंग टू इंक्वायर, सेम चीज इसमें होगी, आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू, आई एम राइटिंग टू इंक्वायर। लेकिन जो इनफॉर्मल होगा वो थोड़ा अलग होगा, आप पूछ सकते हो हाउ आर यू, हाउ वॉज योर ट्रिप, हाउ वॉज योर वोकेशन, आई होप योर फैमिली इज गुड, हाउ आई होप फैमिली एंड यू आर कीपिंग वेल, कुछ भी इनमें से यूज कर सकते हो। तो ये थे थोड़े से डिफरेंसेस, अब देखते हैं कि हमारी मार्किंग कैसे होती है। राइटिंग के बाकी सभी टास्क की तरह इसकी भी मार्किंग 4 पैरामीटर्स पे होती है, टास्क अचीवमेंट, कोहेरेंस एंड कोहेजन, लेक्सिकल रिसोर्सिस एंड ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। सबकी इक्वल वेटेज है, मार्किंग की बात करें 25-25% सबकी वेटेज है। अब इनका मतलब क्या, टास्क अचीवमेंट का क्या मतलब है, कोहेरेंस एंड कोहेजन का क्या मतलब है, लेक्सिकल रिसोर्सिस का क्या मतलब है। बेसिकली जो इनका मतलब है ये काइंड ऑफ सिमिलर ही है जो राइटिंग टास्क 2 में मतलब होता है। टास्क अचीवमेंट मतलब जो चीजें आपसे पूछी गई हैं क्या आप उनको सही तरह एड्रेस कर रहे हो। कोहेरेंस एंड कोहेजन का क्या मतलब है कि यस आपके जो आइडियाज हैं वो आपस में रिलेटेड हैं। ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी का क्या मतलब है कि आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं, प्लस जो भी आप सेंटेंसेस लिख रहे हैं वो ग्रामेटिकली करेक्ट हैं। तो इन चीज लेक्सिकल रिसोर्सेज, वोकैबुलरी हो गई आपकी, राइट। तो ये मेन मेन चीजें हैं, मैं आपको फिर भी इन डेप्थ बताता हूँ कि हर एक पॉइंटर के लिए आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखें तो यू कैन क्लियरली सी दैट टास्क अचीवमेंट में 4 से 5 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो टॉपिक पे रहना है, ये नहीं कि आपको एक लेटर क्या कहा गया है कि आप यूनिवर्सिटी के डीन को लिखो कि मुझे स्कॉलरशिप चाहिए, तो आप उसको बता रहे हो कि हाउ आर यू, डीन से इनफॉर्मल चीजें पूछ रहे हो, या डीन से स्कॉलरशिप से हटके कोई और चीजें पूछने लगे हो, या फिर उसको अपना बैकग्राउंड बताने लगे हो। अगर उन्होंने बताया कि आपने अपने डीन को रिक्वेस्ट करनी है कि आपको स्कॉलरशिप दो, और उन्होंने कहीं नहीं बताया कि आपको अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड का मेंशन करना है, और अगर आप कर रहे हो तो वो काइंड ऑफ आप ऑफ टॉपिक जा रहे हो, इरेलेवेंट इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो जो कि आपने नहीं डालनी। आपको हमेशा लेटर में ना 3 पॉइंट्स दिए होते हैं कि एड्रेस 1, 2 एंड 3, ए बी एंड सी। तो ए बी और सी तीन चीजें दी गई हैं, आपको मेक श्योर करना है कि आप तीनों पॉइंट्स को एड्रेस करो। अगर आप सिर्फ पहले दो को एड्रेस कर रहे हो, थर्ड को एड्रेस नहीं कर रहे हो, मीन्स यू आर मिसिंग आउट समथिंग, राइट। तो उस चीज का ध्यान रखना है। प्लान, आपके पास 20 मिनट है, 20 में से पहले 1 या 2 मिनट आपने थोड़ा सा सोचना है कि मैंने हर एक पॉइंट में क्या क्या लिखना है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं,
टाइम बचाने के चक्कर में जैसे ही आपको आंसर शीट मिलती है लिखना शुरू कर देते हैं, टास्क वन के फर्स्ट पैराग्राफ पे पहुंचते हैं, वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर कंफ्यूज के साथ पैनिक और नर्वस भी होते हैं, क्योंकि वहां पे हमें पता नहीं लगता कि हमने करना क्या, और हम जब आसपास देखते हैं तो सारे बच्चे लिख रहे होते हैं। 1 से 2 मिनट अपने शांत दिमाग को टाइम दो, आइडियाज अपने नोट पर, अपने जो क्वेश्चन पेपर है उस पर लिख लो, ताकि बाद में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ना पड़े और अपना फ्लो कंटिन्यू कर सको। बहुत सारी चीजें इन डेप्थ नहीं डिस्क्राइब करनी, कहानियां नहीं लिखनी है वहां पे, 150 वर्ड में 3-4 पैराग्राफ लिखने होते हैं, तो यू डोंट वरी अबाउट एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग। जो वर्ड्स हैं वो अराउंड 160, 170, 180 वर्ड लिख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं लिखने हैं, लेकिन 150 से कम भी नहीं लिखने हैं। 150 से कम लिखोगे तो ऐसे लगेगा कि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, लेकिन बहुत ज्यादा लिखोगे तो ऐसे लगेगा कि इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन डालिए। तो टास्क अचीवमेंट के लिए जो पूछा गया है, ऑन टॉपिक रहना है, आलतू फालतू चीजें नहीं बतानी है, और 5 चीजों का ध्यान रखना है। फिर आ गया आपका कोहेरेंस एंड कोहिजन। इसका मतलब क्या होता है सिंपल हिंदी में? इसका मतलब होता है जो आपके आइडियाज हैं वो आपस में रिलेटेड होने चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि आपका जो लेटर का फ्लो है वो एक लॉजिकल सीक्वेंस में जा रहा है। ऐसे नहीं कि आप एक सेंटेंस में कोई और बात कर रहे हो, दूसरे सेंटेंस में आपने कोई और ही बात कर दी। मेक श्योर करना कि एक रिलेशन एस्टैब्लिश हो हर एक सेंटेंस का, हर एक सेंटेंस आपस में तालमेल खाए, प्लस एक फ्लो में जाओ। पहले आप ग्रीटिंग दे रहे हो, फिर आप अपना रीजन बता रहे हो आप लेटर क्यों लिख रहे हो, फिर आप 3 पॉइंट एक्सप्लेन कर रहे हो, फिर क्लोज कर रहे हो, तो एक फ्लो होना चाहिए। ठीक है, सेंटेंसेस के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश होना चाहिए, लॉजिकल पैराग्राफ की लेंथ होनी चाहिए। ये नहीं कि फर्स्ट पैराग्राफ आपने 80 वर्ड का लिख दिया, बाकी दोनों पैराग्राफ 20-20 वर्ड के लिख दिए, तो काइंड ऑफ सिमिलर हाँ होने चाहिए, लॉजिकल पैराग्राफ की लेंथ होनी चाहिए। फ्लो का ध्यान रखना, फ्लो का क्या मतलब है कि यस आप कनेक्टर्स यूज करो, आप जो 3 पॉइंट दिए पहला पॉइंट पहले एड्रेस करो, दूसरा पॉइंट सेकंड नंबर पे एड्रेस करो, थर्ड पॉइंट थर्ड नंबर पे एड्रेस करो। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट को थर्ड पे कर रहे हो, थर्ड को फर्स्ट पे कर रहे हो। कनेक्टर्स यूज करो, प्रोनाउंस यूज करो, जैसे आपने एक जगह बोल दिया फॉर एग्जाम्पल माई ब्रदर्स नेम इज एक्स वाई जेड एंड ही वॉन्ट्स टू बी अ स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, तो एक बार एक्स वाई जेड बोल दिया या लिख दिया आपने, उसके बाद आप ही से उसको रेफर कर रहे हो, सेम बार बार एक्स वाई जेड नहीं बोलोगे आप। ठीक है, कनेक्टर्स यूज करने, ऑल्सो फर्दर मोर मोर ओवर यहाँ पे इजिली हो सकते हैं, लेकिन अननेसेसरी हर जगह कनेक्टर नहीं घुसाने हैं। ये नहीं कि हर जगह आई एम वरुण मोर ओवर आई प्ले क्रिकेट, मतलब नहीं बनेगा उसका, राइट? जहाँ पे लॉजिकली जाते हैं कनेक्टर वहीं डालने, कनेक्टर थोड़े बहुत डालने, ये नहीं कि हर सेंटेंस में कनेक्टर हो। और उसके बाद प्लानिंग करनी है कि आपने कौन सा फॉर्मेट फॉलो करना है, कितने पैराग्राफ बनाने हैं, हर पैराग्राफ में कितने सेंटेंस लिखने हैं लिखने स्टार्ट करने से पहले। ये मैं आपको बताऊंगा कितने कितने आपने पैराग्राफ और सेंटेंसेस बनाने हैं कमिंग स्लाइड्स में, ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं लेक्सिकल रिसोर्सेज। बच्चे यहाँ पे बहुत गड़बड़ करते हैं, क्योंकि बहुत ऐसा दर्शाना चाहते हैं, हम ऐसा दिखाना चाहते हैं कि भाई हमारे से ऊपर तो कोई बंदा ही नहीं है, ठीक है? राइटिंग फ्रेजेस आपने यूज करने हैं लेटर में, हर एक लेटर के स्पेसिफिक सेट ऑफ राइटिंग फ्रेजेस होती हैं, वो मैं आपको अगली स्लाइड्स में बताऊंगा, लेकिन ये यूज करने ताकि आपके लेक्सिकल रिसोर्सेज इंप्रूव हो सके। वोकैबुलरी यूज करनी है, रेंज ऑफ वोकैब यूज करनी है, बट ऐसी वोकैब भी नहीं करनी जहाँ जिसका कोई सेंस ही नहीं बन रही। कई बार क्या होता है, एक वर्ड होता है उसका नॉर्मल लाइफ में तो मीनिंग बनता है, बट उस पर्टिकुलर सिनेरियो में मीनिंग नहीं बनता है। फॉर एग्जाम्पल मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ, क्विक और फास्ट, दिस इज अ I'll take a quick shower, right? Quick shower का क्या मतलब है कि मैं जल्दी से नहा के आ जाता हूँ। I'll take a fast shower नहीं बोलोगे, मीनिंग सेम है, यूज अलग होता है। तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपको मेक श्योर करना है कि आप सही वर्ड यूज करें। कोलोकेशंस जैसे हाईली लाइक, हाईली रिकमेंड, मोस्ट लाइकली, वेदर फॉरकास्ट, तो जो वर्ड्स इकट्ठे जाते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स उनको इकट्ठे, आई हाईली रिकमेंड, आई हाईली अपोलोजाइज, ये चीजों का ध्यान रखना आपने। अब आगे स्पेलिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रूफ रीडिंग अच्छे से करनी है, कोई वर्ड नहीं श्योर मत लिखो। बच्चे अपने आप को बहुत लॉजिकल साउंड करने के लिए ऐसे ऐसे वर्ड्स लिखते हैं जो उनको भी खुद को श्योर नहीं होते हैं। आपको मेक श्योर करना है कि आप उन्हीं चीजों को लिखें जिसके बारे में आप 100% श्योर है। यूके स्पेलिंग्स लिखें या यूएस लिखें, दोनों मिक्स ना करें। यूके क्या होता है, जो हम इंडिया में यूज करते हैं इसमें हमेशा लॉन्ग वर्ड्स आते हैं, जैसे कलर COLOUR, यूएस में COLOR, ऑर्गेनाइज एस से आता है यूके में और जेड से आता यूएस में, कोई भी एक फॉलो कर सकते हो, दोनों मिक्स नहीं करने। पैराफ्रेज करनी है चीजें, सिनोनिम्स यूज करने हैं, लेकिन प्रिसाइज इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ऐसे वर्ड्स रिप्लेस नहीं करने, ऐसी चीजें पैराफ्रेज नहीं करनी है जहां पे आपको खुद को श्योर नहीं है कि पैराफ्रेजिंग करनी कैसे, ठीक है? जहां श्योर नहीं है गलत लिखने से अच्छा है लिखो ही मत। आप ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी लास्ट पैरामीटर है, इसकी वेटेज भी 25% है। एक तो दो चीजें, एक तो ग्रामेटिकल रेंज है
और ग्रामेटिकल एक्यूरेसी है। रेंज का क्या मतलब है कि आपको ये दिखाना है कि यस आप सिंपल सेंटेंस भी लिख सकते हो, आप कंपाउंड सेंटेंस भी लिख सकते हो, आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी लिख सकते हो, आप क्वेश्चन मार्क भी डाल सकते हो, कि आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ यू हैव दैट होल्ड दैट यस यू कैन वेरी द यूज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। एक्यूरेसी का क्या मतलब है, जो सेंटेंस या जो लैंग्वेज या जो वर्ड्स आपने लिखे हैं वो एक्यूरेट, वो सही भी होने चाहिए। एक तो रेंज ऑफ सेंटेंसेस यूज करने हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा मैंने कैसे किए हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना कि रेंज ऑफ सेंटेंस के चक्कर में मीनिंग ही कुछ और लिख दो। जहां तक इजीली हो सकता है वहां करो, गलत करने से अच्छा है मत करो, ठीक है। ग्रामर एरर्स के लिए प्रूफ रीड करना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस नहीं लिखना, जितना कॉम्प्लिकेट करोगे उतनी ग्रामर गलतियां होंगी। पंक्चुएशन का ध्यान रखना है, क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखना है, फुल स्टॉप का ध्यान रखना है। फुल स्टॉप के बाद कोई भी चीज होगी वो कैपिटल अल्फाबेट से शुरू होगी, जहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ रहे हो वहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा। टेंसेस का ध्यान रखना है, ये नहीं कि उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि यू वॉन्ट टू अप्लाई फॉर अ जॉब और आप इसको पास्ट टेंस में लिख रहे हो कि आई वॉन्ट टू अप्लाइड फॉर अ जॉब, जो कि ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। एक्टिव पैसिव का भी हमने थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आप देखो, हम नॉर्मली तो एक्टिव वॉइस में बात करते हैं, राइट, अगर आप एक्टिव के साथ साथ पैसिव वॉइस भी इस्तेमाल करोगे तो दैट ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट दैट यस द पर्सन इज हैविंग अ रेंज ऑफ ग्रामेटिकल सेंटेंसेज एंड ऑप्शन एंड दैट विल ऑब्वियसली बूस्ट आवर स्कोर। तो ये थे चार पैरामीटर, ये थे अपने चार पैरामीटर जिनका आपने ध्यान रखना है। टास्क अचीवमेंट, जो जो पूछा गया है उनको सही तरह से एड्रेस करना है। ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, जो लास्ट में देखा, डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस बनाने हैं, प्लस जो भी लिखना है वो सही लिखना है। लेक्सिकल रिसोर्सेज, फ्रेजेस जो दूंगा वो यूज करने हैं, प्लस स्पेलिंग्स वगैरह का ध्यान रखना है। वर्ड्स रिपीट करने अवॉइड करने हैं, और एक और पैरामीटर क्या था, कोहेरेंस एंड कोहेशन। सेंटेंसेस फ्लो में जाने चाहिए, लॉजिकल ऑर्डर में होने चाहिए, और रिलेशन होना चाहिए, कनेक्टर्स यूज करने हैं आपने। तो ये थे हमारे चार पैरामीटर्स। अब देखते हैं कि हमारा फॉर्मेट क्या, स्ट्रक्चर क्या, जनरल टास्क वन का। देखिए, सात चीजों में मैंने डिवाइड किया। सबसे पहले कोई भी लेटर आप लिखोगे, एड्रेस नहीं लिखना होता, ओपनिंग ग्रीटिंग जैसे डियर सर डियर मैम, ये आएगी सबसे पहले। फिर आप अगला सेंटेंस लिखेंगे कि आप लेटर क्यों लिख रहे हो, ये एक ही सेंटेंस का आता है कि आई एम राइटिंग दिस लेटर टू कंप्लेन अबाउट द नॉइस ऑफ कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन द स्ट्रीट। आप काउंसिल को लेटर लिख रहे हो, बताना है कि मैं ये लेटर इसलिए लिख रहा हूँ कि जो कंस्ट्रक्शन चल रही है स्ट्रीट पे, उसे हमें बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है, ठीक है। फिर तीन पॉइंट्स होते हैं हमेशा, उनके तीनों मेन बॉडी पैराग्राफ बनेंगे, जहाँ पे आप फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में दो से चार सेंटेंस लिख के, नॉर्मली दो से तीन सेंटेंस भी बहुत होते हैं, फर्स्ट बुलेट पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे, सेकंड में सेकंड को एक्सप्लेन करेंगे, थर्ड में थर्ड को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपका सिक्स सेंटेंस आएगा या सिक्स पार्ट है, उसमें आप क्लोजिंग सेंटेंस लिखेंगे, जैसे आई एक्सपेक्ट यू टू टेक एन एक्शन ऑन दिस पर्टिकुलर मैटर एट द अर्लीस्ट, कि मैं चाहता हूँ, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कि मैं चाहता हूँ कि आप जो नॉइस हो रही है इसके बारे में जल्द से जल्द कोई भी कदम उठाएंगे। और लास्ट में योर्स फेथफुली योर्स सिंसियरली, जो भी टाइप ऑफ ऐसे होगा आपका, वो चीजें लिखेंगे, ठीक है। अब आ गया है थोड़े से टिप्स, इससे पहले कि मैं आपको दिखाऊं कि मैं अपना आंसर कैसे लिखता हूं, थोड़े से टिप्स। सबसे पहले तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, बहुत बच्चे फॉर्मल सेमी फॉर्मल में कंफ्यूज हो रहे हैं। नाम पता है बंदे का तो वो लाइकली है सेमी फॉर्मल होगा, अननोन है तो फॉर्मल होगा। आप थोड़ा बहुत जानते हो सेमी फॉर्मल, नहीं जानते पता नहीं कौन है फॉर्मल। इनफॉर्मल जहाँ पे आपको फुल नेम पता है और आपके पर्सनल रिलेशन है। अब कई बार क्या होता है, आप अपने आंसर शीट पे ऐसे आंसर लिखते हैं, राइट, जैसे यहाँ पे आप लिख रहे हो ऑर्गेनाइज, तो यहाँ पे जगह खत्म होगी, बच्चे हाइफन डाल के यहाँ पे ऑर्गेनाइज लिख देते हैं। वो नहीं करना, हाइफन डाल के वर्ड्स कंप्लीट नहीं करने, पूरा वर्ड एक ही लाइन में आना चाहिए, उसके नंबर कटते हैं, ध्यान रखना। आप डियर सर स्लैश मैम मत लिखना, डियर सर और मैम ही लिखना है। और अगर डियर सर और मैम के बाद कॉमा डाल रहे हो तो नीचे जो योर्स फेथफुली आता है, जो नीचे योर्स फेथफुली योर्स सिंसियरली वार्म रिगार्ड्स, उसके बाद भी आपने कॉमा डालना है, ध्यान रखना। उसके बाद लिखने से पहले, जब जैसे मैंने आपको बताया कि आपने प्लानिंग करनी है, एक से दो मिनट सोचना कि मैं ये वाले फ्रेजेस लिखूंगा, हाई हाईली एक्सपेक्ट लिखना चाहिए, या आई रिक्वेस्ट यू लिखना चाहिए, या आई एम एक्सपेक्टिंग योर रिस्पॉन्स लिखना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि आप लिखो फिर इसको इरेज करो फिर इसको करेक्ट करो फिर दोबारा इरेज करो फिर दोबारा करेक्ट करो। थोड़ा सा एक आधा मिनट प्लानिंग पे लगाओ, सोचने में लगाओ, ताकि बाद में कोई गलती ना हो। हर एक पैराग्राफ के बाद एक लाइन छोड़नी है। स्ट्रक्चर तीन बॉडी पैराग्राफ मैंने आपको बताए हैं, देखते हैं कि इन तीन बॉडी पैराग्राफ को कैसे लिखना है।
उससे पहले कि आपको वर्ड्स कैसे कैलकुलेट करने हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, एक 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 वर्ड गिन रहे हैं बार बार, 130 लिख लिए, फिर थोड़े लिखे, फिर दोबारा से शुरू कर दिया। आप क्या करें, देखो एग्जैक्ट वर्ड, एक एक वर्ड तो आपका एग्जामिनर भी काउंट नहीं करेगा वहां पे, जैसे ही आपकी लाइन है राइट। आप क्या करें, आप एक अंदाजा लगा लें कि आप एक लाइन में अराउंड 8 वर्ड लिखते हैं, और यहाँ पे देख लें कि आपने 7 लाइनें लिखी हैं, तो 8 × 7 सीधा पता लग जाएगा आपको कि आपने 56 वर्ड्स लिख लिए हैं। एक एक वर्ड मत काउंट करें, अंदाजा लगा लें 8 से 9 वर्ड आते हैं एक सेंटेंस में आपके, जो भी आपकी हैंड राइटिंग छोटी है बड़ी है, और देख लें टोटल कितनी लाइनें आपने भर दी हैं। और ध्यान से अगला पॉइंट क्या है, जो तीनों बुलेट पॉइंट्स दिए होते हैं, मेक श्योर करो कि आप हर एक को अच्छे से समझो, आधे आधा दिमाग मत लगाओ, अच्छे से एंड तक समझो, और साथ के साथ हर एक चीज को आंसर करो। हर एक बॉडी पैराग्राफ का हर एक बुलेट पॉइंट का एक अलग बॉडी पैराग्राफ होना चाहिए, ये नहीं कि 2 बुलेट पॉइंट्स को आपने एक ही बॉडी पैराग्राफ में घुसा दिया। हर एक 3 बुलेट पॉइंट होते हैं, आपको हर एक बुलेट पॉइंट का अलग बॉडी पैराग्राफ देना। काइंड ऑफ सिमिलर लेंथ, देखो एग्जैक्टली सिमिलर लेंथ पॉसिबल नहीं होगी, हो सकता है कहीं में 2-3 सेंटेंस आए, कहीं में 4 भी आए, बट सिमिलर होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए एक में एक आ रहा है, एक में 5 आ रहा है, ठीक है। कांट ना लिखो, डोंट ना लिखो, कॉन्ट्रैक्शन अवॉइड करनी है आपने एग्जाम में। एड्रेस कोई नहीं लिखना, जैसे कि मैंने बताया लेटर में कोई एड्रेस नहीं लिखते आल्स में। फिर उसके बाद स्टार्ट करने से पहले ही आपको डिसाइड कर लेना कि भाई मैंने टोन कौन सी यूज करनी है। आप एंग्री हो, आपने फॉर्मल भाषा में अपनी डिससेटिस्फेक्शन व्यक्त करनी है या एक्सप्रेस करनी है, तो आप वैसी टोन पकड़ेंगे शुरू से ही। आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो वो टोन पकड़ेंगे, इनफॉर्मल टोन पकड़नी है तो यू विल बी बिट फ्रेंडली, क्योंकि अगर ये गलत हो गई ना, आप किसी हायर अथॉरिटी के पर्सन को फ्रेंडली वे में अप्रोच कर रहे हो, दैट्स 100% इनकरेक्ट, टास्क अचीवमेंट भी गई और बहुत सिग्निफिकेंट एरर होगा। इन चीजों का प्लीज अच्छे से ध्यान रखना। ओपनिंग और क्लोजिंग सैल्यूटेशन फॉर्मल लेटर के लिए, सी ओपनिंग डियर सर और मैम ही करना आप, डियर सर और मैम, और क्लोजिंग में इधर योर्स फेथफुली और योर्स सिंसियरली कर सकते हो आप, ठीक है, और कोई मत यूज करना, ये ही सही है। अब टाइप ऑफ आपके फॉर्मल लेटर्स कौन से होते हैं, इन्फॉर्म करने के लिए आपने इन्फॉर्म करना है कि आप जॉब कर सकते हो, आप जॉब नहीं कर सकते, आपने रिजाइन करना है, या फिर आप एप्लीकेशन डाल रहे हो अपनी जॉब की, इसको मैंने पैसिव फॉर्म में लिख के दिखाया आपको राइट, ताकि अगर आपको ऐसा कुछ आए तो आप पैसिव फॉर्म यूज करके अपनी जो ग्रामेटिकल रेंज है इंप्रूव कर सको। कंप्लेंट करनी है, या आपको कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा है, आप किसी होटल में रुके, आपका नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा, आप किसी को थैंक्स करना चाहते हैं पॉजिटिव हो, तो ये वर्ड्स। इन्फॉर्म के लिए आई एम राइटिंग दिस लेटर टू अप्लाई, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इंक्वायर, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म दैट आई एम हाईली इंटरेस्टेड फॉर द पोजिशन यू हैव लिस्टेड ऑन योर लिंक्डइन प्रोफाइल। एप्लीकेशन, किसी बंदे ने जॉब एडवर्टीजमेंट डाली हुई है, इसको आप अप्लाई कर रहे हैं। वैसे इन्फॉर्म में क्या लिखोगे, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू अबाउट द प्रॉब्लम या अबाउट द डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय योर पर्टिकुलर एक्शन, या आपके कोई भी एक्शन से मुझे ये डिस्टर्बेंस हो रही है, वहां पे आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं। विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज पेपर या ऑन सोशल मीडिया या इन द नोटिस बोर्ड, ऑन द नोटिस बोर्ड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट फर्दर इंफॉर्मेशन, ये पैसिव वॉइस में हो जाएगा आपका। कंप्लेन, कंप्लेन कैसे करेंगे हम, आई एम राइटिंग दिस लेटर, या आई एम राइटिंग टू यू टू कंप्लेन अबाउट, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू एक्सप्रेस माई डिससेटिस्फेक्शन विद योर डिससेटिस्फेक्शन अबाउट समथिंग विद सम पर्सन, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई कंसर्न अबाउट, आई एम ग्रेटफुल, आई एम, अगर थैंक्स कर रहे हो लेट्स से कि उस बंदे ने आपको जॉब दे दी है, या फिर उस बंदे ने आपकी हेल्प की, आई एम ग्रेटफुल फॉर द एक्शन यू हैव टेकन, या आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर ऑल द हेल्प यू हैव प्रोवाइडेड मी ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। क्लोज कैसे करना है, जो आपकी क्लोजिंग स्टेटमेंट होती है, फॉर्मल लेटर की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। रीजन में क्या है, थैंक कर रहे हैं, आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर दिस, या आई विल बी एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर, अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो और उनको रिक्वेस्ट कर रहे हो, एंड में थैंक्स कर रहे हो कि भाई मैं बहुत आभारी रहूंगा आपका अगर आप ये कर देते हो, या फिर नो वर्ड्स कैन एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड क्या होता है, काइंड ऑफ थैंक, आप जिस चीज के लिए शुक्रिया करते हो। रिक्वेस्ट वाले लेटर में थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, या कुड यू प्लीज रिजॉल्व दिस मैटर एट द अर्लीस्ट। कंप्लेन किया है कि भाई मेरा टीवी नहीं चल रहा, आई हाईली एक्सपेक्ट योर काइंड अटेंशन टू वर्ड्स या अबाउट द प्रॉब्लम
I am facing with my TV. Hopefully you will pay immediate attention to this matter. ये सारी चीजें लिख लेना, बहुत रिसर्च के बाद लेके आया हूँ, बहुत एक्सपीरियंस के बाद और बहुत ही ज्यादा बच्चों को पढ़ाने के बाद लेके आया हूँ, ध्यान रखना. रिक्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, आई होप यू विल गेट. अगर आपने किसी से इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट किया कि भाई मुझे बताओ कि जैसे RTI होता है इंडिया में, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट, आपने कोई इन्फॉर्मेशन कहा कि मुझे इस बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, आई होप यू विल गेट बैक टू मी विद ऑल द डिटेल्स एट द अर्लीस्ट. या फिर ज्यादातर एसेज में आप ये चीजें यूज कर सकते हो. आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग बैक फ्रॉम यू, कि मैं वेट करूंगा कि आप मुझे अपना जवाब दें. आई लुक फॉरवर्ड टू गेटिंग अ रिप्लाई फ्रॉम यू. आई रियली लुक फॉरवर्ड टू योर कोऑपरेशन इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड्स इन पर्टिकुलर मैटर, समथिंग लाइक दिस. तो ये होगी अपनी क्लोजिंग स्टेटमेंट्स. अब देखते हैं कि आज कैसे क्या है और इसको सॉल्व कैसे करना है. ऐसे नहीं, सॉरी माय बैड, करेक्शन, लेटर देखना. दो तीन दिन से ऐसे पढ़ा रहा हूँ तो बार बार ऐसे बोल रहा हूँ. यू बॉट अ टीवी अ वीक अगो, एक हफ्ते पहले आपने टीवी लिया, लेकिन जब आप घर गए तो वो सही से चल नहीं रहा था. आपने कस्टमर सर्विस को कॉल किया रिपोर्ट करने के लिए, लेकिन उन्होंने भी आपकी कोई मदद नहीं की. आपको किसको लेटर लिखना है? कंपनी को. और अपने लेटर में आपने अपने आप को पहला बुलेट पॉइंट इंट्रोड्यूस करना है, फिर सेकंड में आपने प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस करनी है, एक्सप्लेन करनी है, नॉट इंट्रोड्यूस, और लास्ट में आपने बताना है कि आप क्या चाहते हो कि कंपनी क्या करे. अब कंपनी, मेरे को नहीं पता कंपनी में मैनेजर जनरल मैनेजर कौन है, तो कौन से टाइप, मुझे नहीं पता कौन है. फॉर्मल हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मल टोन होगी, साथ के साथ डिससेटिस्फेक्शन वाली टोन होगी कि भाई मैं टीवी लिया है, ना आपके कस्टमर सर्विस वाले ने हेल्प की है और ना ही मेरी कोई हेल्प हुई है. प्लीज हेल्प मी इन दिस पर्टिकुलर मैटर एज सून एज पॉसिबल. देखते हैं ये लेटर कैसे लिखेंगे हम. अब ओपनिंग सैल्यूटेशन क्या होगी फॉर्मल लेटर की, और ओपनिंग स्टेटमेंट क्या होगी? डियर सर और मैम, कॉमा, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू कंप्लेन अबाउट द, ये तो जो मैंने आपको फ्रेज बताए थे, डिफेक्टिव टीवी. मैंने यहाँ पे वर्ड क्या यूज कर दिया? डिफेक्टिव. I bought from your company a week ago. एक हफ्ते पहले लिया था, week earlier लिखा था उन्होंने, हमने a week ago कर दिया. अब उन्होंने क्या बोला है, यहाँ पे क्या आ गई? ओपनिंग सैल्यूटेशन आ गई हमारी, और ये ओपनिंग स्टेटमेंट आ गई एक सेंटेंस में. अब बॉडी पैराग्राफ वन में, यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना होता है आपको ओपनिंग स्टेटमेंट में. बॉडी पैराग्राफ वन में उन्होंने क्या बोला, अपने आपको इंट्रोड्यूस करो. माई नेम इज वरुण धवन, अ रेजिडेंट ऑफ न्यू दिल्ली एंड योर रेगुलर कस्टमर फॉर द लास्ट 3 years. आप चाहते हो तो यहाँ तक भी आप रुक सकते थे, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको लॉन्ग, लेंथी और कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए यहाँ तक लिख दिया कि मेरा नाम वरुण धवन है, मैं न्यू दिल्ली का रेजिडेंट हूँ और आपका रेगुलर कस्टमर हूँ आखिर पिछले 3 सालों से. अनफॉर्चुनेटली, डिससेटिस्फेक्शन, हमने नेगेटिव वर्ड्स यूज करने थोड़े. अनफॉर्चुनेटली दिस टाइम आई रिग्रेट टू से दैट, ये फ्रेज भी आप ज्यादातर नेगेटिव वाले लेटर्स में यूज कर सकते हो. I regret to say that I am not satisfied with the quality of the product. Of this product बोल सकते हो. This product क्यों बोला? क्योंकि मैंने यहाँ पे TV introduce कर दिया. तो that's why you can use this product. नहीं तो आप quality of the product भी बोल सकते हो, या quality of your product भी बोल सकते हो. ये हो गया body paragraph one. क्योंकि introduce में इतना ही करूँगा, इससे ज़्यादा मैं अपनी personal information तो इनको नहीं दूँगा. That will be irrelevant, off topic, task achievement down जाएगा. बॉडी पैराग्राफ आ गया 2, इसमें हमने क्या प्रॉब्लम एक्सप्लेन करनी है जो टीवी के साथ हुई. अब टीवी के साथ एग्जैक्ट प्रॉब्लम तो हमें लेटर में या लेटर के टॉपिक में नहीं दी, तो मैंने खुद बनाई है. आई वेंट टू योर कंपनीज एक्सक्लूसिव आउटलेट, पहले मैं यहाँ पे शोरूम लिखने लगा था, लेकिन मैंने एक्सक्लूसिव आउटलेट लिख दिया ताकि थोड़ी सी मेरी लेक्सिकल रिसोर्सेज इंप्रूव हो. ऑन द 5th of September एंड आफ्टर बींग एक्सप्लेन्ड अबाउट द वेरियस फीचर्स एंड प्रोडक्ट्स, कि मैं 5 September को आपके आउटलेट गया और टीवी के वेरियस फीचर्स और प्रोडक्ट्स के बारे में जब मुझे बताया, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने सोनी का XZC340 खरीद लिया. यहाँ पे टू मेक इट मोर ऑथेंटिक, ऐसा रियल दिखाने के लिए मैंने ये मॉडल नंबर ऐड कर दिया. ठीक है, अगर आप चाहते हो, अगर आपको ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो. आई वेंट टू योर कंपनीज एक्सक्लूसिव आउटलेट ऑन द 5th of September एंड बॉट सोनी XZC340 एंड आफ्टर बींग एक्सप्लेन अबाउट वेरियस फीचर्स एंड प्रोडक्ट्स, आप स्किप भी कर सकते हो. As soon as I got home, जैसे ही मैं घर पहुंचा, got की जगह reach भी बोल सकते हैं. As soon as I reached home and installed the item, और मैंने जो आपके item है instructions के हिसाब से उसको install किया, मैंने देखा कि उसमें कोई भी audio output नहीं था. I found out that there was no audio output. अब क्या हुआ कि मैंने आप 5 सितंबर को आपसे TV खरीदा,
उसके बाद मैंने घर जाके जैसे कि आपने कहा था मैंने उसको इंस्टॉल किया, लेकिन मुझे पता लगा कि उसमें ऑडियो आउटपुट नहीं। सबसे पहले मेरे को लगा कि नेटवर्क में प्रॉब्लम है। एट फर्स्ट आई थॉट देयर इज अ प्रॉब्लम विद द नेटवर्क, बट इवन आफ्टर चेंजिंग द इनपुट सोर्स मैंने थोड़ा सा लेक्सिकल रिसोर्सेज या इस पर्टिकुलर लेटर से रिलेटेड वर्ड लिख दिया, द प्रॉब्लम प्रसिस्टेड। ये वर्ड लिख देना प्रसिस्टेड मतलब कि प्रॉब्लम लगातार चलती रही, कि मेरे को लगा कि नेटवर्क में प्रॉब्लम है लेकिन मैंने इनपुट सोर्स चेंज किया फिर भी प्रॉब्लम रही। आई ट्राइड कॉन्टेक्टिंग कस्टमर सर्विस टू एड्रेस द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने कस्टमर सर्विस को भी फोन किया और मुझे फिर भी कोई हेल्प नहीं मिली। तो अब प्रॉब्लम में क्या क्या एक्सप्लेन कर दिया, एक तो मैंने टीवी लिया और जैसे आपने बोला था इंस्टॉल किया लेकिन उसमें ऑडियो नहीं चली, मैंने चीज़ें चेंज करके भी देखी लेकिन फिर भी प्रॉब्लम रही, उसके बाद मैंने आपके कस्टमर सर्विस वाले को भी फोन किया लेकिन उसने भी मेरे को कोई हेल्प नहीं की। अब थर्ड बुलेट पॉइंट एक्सप्लेन करना है, स्टेट व्हाट एक्शंस वुड यू लाइक द कंपनी टू टेक। आई एम एक्सट्रीमली डिससेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट एंड सर्विस आई हैव बीन ऑफर्ड, कि मेरे को जो आपने प्रोडक्ट भी दिया टीवी और जो सर्विस आपने दी है कि हेल्प नहीं की मेरी, मैं उससे बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड हूँ या डिसअपॉइंटेड भी लिख सकते हो। आई एक्सपेक्ट दिस टीवी टू बी रिप्लेस्ड, मैं ये चाहता हूँ कि ये टीवी को रिप्लेस्ड किया जाए विद अ न्यू वन विद इन द नेक्स्ट 2 डेज। मैं ये चाहता हूँ कि अगले 2 दिनों के अंदर अंदर मुझे ये टीवी रिप्लेस करके दिया जाए या फिर मुझे फुल रिफंड दिया जाए। अपने एक्शंस मैंने बता दिया कि या तो मुझे 2 दिन के अंदर नया दो या फिर रिफंड दो। आई वुड नॉट लाइक दिस टीवी टू बी रिपेयर्ड, मैं ये साथ में एक और चीज भी बता दी है मैंने, आई वुड नॉट लाइक दिस टीवी टू बी रिपेयर्ड एज आई हैव पेड फॉर अ ब्रांड न्यू प्रोडक्ट। एक्शंस बता दिए कि मैं डिससेटिस्फाइड हूँ, या फिर अगर आपने आई एम एक्सट्रीमली डिससेटिस्फाइड वाले नए सेंटेंस लिखना आप नहीं भी लिख सकते हो, दैट्स 100% फाइन। आप सीधा लिख सकते हो मैंने थोड़ा सा इसलिए लिखा है ताकि थोड़ा सा रिलेट हो जाए पिछले पैराग्राफ से और थोड़ा सा लेंदी लेटर बन जाए मेरा, बट यू कैन स्टार्ट आई एक्सपेक्ट दिस टीवी टू बी रिप्लेस्ड विद अ न्यू वन विद इन द नेक्स्ट 2 डेज और अ फुल रिफंड। आई वुड नॉट लाइक, मैं ये नहीं चाहूंगा कि आप टीवी को ठीक करो क्योंकि मैंने एक बिल्कुल नए प्रोडक्ट के लिए पैसे दिए हैं। अब आ जाएगी अपनी क्लोजिंग स्टेटमेंट, आई हाईली डिससेटिस्फाइड हूँ मैं इनसे और मैं चाहता हूँ ये एक्शन लें। आई हाईली एक्सपेक्ट काइंड ऑफ अ कॉलोकेशन और अ फ्रेज यू कैन से योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स दिस मैटर, कि मैं बहुत उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस तरफ ध्यान देंगे और मैं इंतजार करूंगा आपके जवाब का। योर्स फेथफुली आपका नाम वरुण धवन, दैट इज वेयर योर लेटर विल एंड। ये रहा हमारा लेटर, मैंने हल्का सा लेंदी लिखा है, आप एक या 2 सेंटेंस जो मैंने आपको बताए ऑप्शनल है वो आप स्किप भी कर सकते हैं। डियर सर और मैम, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू कम्प्लेन अबाउट द डिफेक्टिव टीवी आई बॉट फ्रॉम योर कंपनी अ वीक अगो। ये हो गया अपना ओपनिंग सैल्यूटेशन, ये होगी ओपनिंग सेंटेंस, ये बुलेट पॉइंट 1, बुलेट पॉइंट 2, बुलेट पॉइंट 3, क्लोजिंग स्टेटमेंट एंड देन क्लोजिंग सैल्यूटेशन। दैट इज हाउ योर लेटर इज गोइंग टू लुक लाइक। अब इस वीडियो में हमने क्या देखा कि फॉर्मल लेटर को आइडेंटिफाई कैसे करना है, फॉर्मल सेमी फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर में क्या डिफरेंस है, इनका मार्किंग क्राइटेरिया क्या होता है। फिर भी मैं सारी चीजों को सम अप कर देता हूँ। फॉर्मल वो है जहाँ पे हायर अथॉरिटी वाले पर्सन से बात कर रहे हैं, सेमी फॉर्मल अथॉरिटी वाला पर्सन है लेकिन आप उसका फर्स्ट नेम या आप जानते हो उसको, इनफॉर्मल आप पर्सन लेवल पे बात कर रहे हो, ठीक है। फॉर्मेट यही रखना है, ओपनिंग सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग्स, फिर आपकी ओपनिंग स्टेटमेंट, 3 बॉडी पैराग्राफ, क्लोजिंग स्टेटमेंट एंड देन क्लोजिंग सैल्यूटेशन, राइट। ये चीजों का ध्यान रखना है, प्लस 4 चीजें टास्क अचीवमेंट पूरी करनी है, जो पूछा गया है वो 100% एड्रेस करना है, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी का ध्यान रखना है, जो लिखें सही लिखें और जहां तक इजीली पॉसिबल है एक्यूरेसी के साथ डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस यूज करें। फिर उसके बाद जहां पॉसिबल है वर्ड्स रिपीट मत करें, डिफरेंट वर्ड्स सिनोनिम्स यूज करें एंड मेक श्योर करें कि आपके आइडियाज और स्ट्रक्चर एक लॉजिकल वे में हो और एक मीनिंगफुल वे में हो। इन चीजों का ध्यान रखें, 20 मिनट मिले हैं, 2 मिनट सोचें, 15 मिनट लिखें या 14 मिनट में लिखें और एंड में 3-4 मिनट प्रूफ रीडिंग करें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये थी कुछ चीजें आपके राइटिंग टास्क 1, जर्नल आइल्स, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल, सेमी फॉर्मल, एकेडमिक के टास्क, हर एक टास्क के ऊपर वीडियो लेके आ रहा हूँ। लेकिन अगर आपको कोई पर्टिकुलर टास्क में प्रॉब्लम है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, आई ट्राई माई 100% टू गेट अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। प्लस
कोई भी चीज, कोई भी डाउट, कोई भी इन्फॉर्मेशन है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि वीडियो हेल्पफुल थी। वो एक चीज है जो मुझे मोटिवेट करेगी कि मैं जितना कंटेंट, जितनी रिसर्च, जितना एक्सपीरियंस आपके सामने ला सकूं ताकि आप पहले अटेम्प्ट में स्कोर लेके आ सको। एक ही एम है कि जितने ज्यादा बच्चों का फर्स्ट अटेम्प्ट में स्कोर लाने में हेल्प कर सकूं और मैं ये चीज करता रहूंगा। प्लस अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, ऑनलाइन ट्रेनिंग चाहिए, आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो। अगर आप इंडिया में हो हमारे जलंधर कैंपस इस एड्रेस पे विजिट कर सकते हो। फ्री ट्रायल के लिए भी आप हमें इस नंबर पर फोन कर सकते हो। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हो सिडनी ऑफिस या पैरामीटर ऑफिस आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो या हमें इस एड्रेस पे आके मिल सकते हो। वरुण फ्रॉम लैंग्वेज अकेडमी, लास्ट रिक्वेस्ट है अगर वीडियो हेल्पफुल लगी प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि जो भी वीडियोज आए आपको पता लगे। और अगर आपका कोई फ्रेंड भी आईएलटीएस की तैयारी कर रहा है या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके साथ ये वीडियो शेयर करो ताकि आपके साथ वो भी बाहर जाए एंड देन यू बोथ हैव अ ब्राइट फ्यूचर ऑल टुगेदर एंड यू एंजॉय योर सक्सेस। वरुण फ्रॉम लैंग्वेज अकेडमी, आई विल सी यू वेरी सून। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर स्कोर भी आता है तो मुझे जरूर बताना। दैट इज समथिंग आई रियली वर्क फॉर एंड आई विल बी हैप्पीएस्ट इफ यू गेट योर डिजायर्स गो विद द हेल्प ऑफ माय वीडियोस। आई विल सी यू वेरी सून। टेक केयर एंड स्टे सेफ।